हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता एक बार फिर आपके सामने। बात कर रहे थे हम एलोएल्केन की। एलोएल्केन यानी एलोवेरिन, दिस इज फर्स्ट चैप्टर फॉर सेकंड बुक 12th क्लास एनसीईआरटी। तो इसमें मैंने पूर्व के वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन ऑफ एलोएल्केन। हेलो एल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हम हेलो एल्केन बनाएंगे। और हेलो एल्केन बनाने की हमने चार मेथड की बात की थी, जिसमें मैंने पहला मेथड बता दिया था फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल जिससे मेरी समझ में आ गया होगा आप सबको, और उसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी अच्छी होगी और उतनी ही रिएक्शन क्लियर होगी, है ना। तो इसलिए और प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, अब हम बात करेंगे उसका नंबर सेकंड मेथड। जैसे मैं बता चुका हूं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना, तो हम इसको बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में तो आप जानते होंगे, ये पूरा चैप्टर आपने 11th में पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, इसलिए मैंने इसका नाम रखा हाइड्रोकार्बन। और बच्चों हाइड्रोकार्बन में मेनली या तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और उसके बाद बेंजीन, ये तीनों हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक में बेंजीन, ये आपने 11th में पढ़ी होगी और रिएक्शन भी 11th में पढ़ी होगी, वहां डिटेल में पढ़ी होगी, वहां इसमें मैकेनिक भी पढ़ी होगी। लेकिन यहां हम केवल प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करके, और जो 11th से संबंधित बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाएंगे। और हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने के लिए यहां पर हम दो मेथड यूज करेंगे, फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम एल्कीन, दोनों से हम बनाएंगे। यहां पर दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन में, है ना, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है और इनसे हम बनाएंगे हेलो एल्केन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन से, है ना। तो एल्केन की मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, एल्केन की रिएक्शन कराता हूं मैं यहां पर हेलोजन के साथ। तो एल्केन यानी कि जिसको हम जनरली आर एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी मैंने रिएक्शन कराई हेलोजन के साथ। और यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर हम सनलाइट यूज करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा आर सी एल और प्लस ये सब प्रोडक्ट बचेगा HCl। तो यहां पर बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने नंबर फर्स्ट यूज किया है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से मैं बात कर रहा हूं। एल्केन में मैंने यहां पर RH यूज किया, जिसकी मैंने रिएक्शन कराई है हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, और ये रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। यहां सनलाइट महत्वपूर्ण है, बताऊंगा इसका क्या रोल है, जिससे हमको बन गया मोनो डेरिवेटिव। वैसे इस रिएक्शन में होता क्या है, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH4 लिया और CH4 की मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां पर मैंने यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई CH3Cl और प्लस HCl। तो यहां पर होता क्या रिएक्शन, ये ऑटोमेटिक आगे चलती रहती है, मतलब मोनो हेलो डेरिवेटिव, फिर डाई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव एंड टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। यहां हमको जितने भी हेलो डेरिवेटिव होते हैं उनका मिक्सचर मिलता है। तो यहां केवल मैं बात कर रहा हूं मोनो हेलो डेरिवेटिव की, है ना। तो यहां मैंने आपको बताया कि सनलाइट का यूज क्या है, सनलाइट का एक ही यूज है यहां पर, कि जो हमने हेलोजन का यूज किया है, इस हेलोजन में वो होमोलाइटिक फिशन करता है। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन, ये इनको वापस दे देता है, बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूटने के बाद फ्री रेडिकल मिलते हैं। ये यहां पर पूरा मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहां मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, हम केवल यहां बात कर रहे हैं कि ये यूवी लाइट जो सनलाइट हमने यूज की है उसका काम केवल क्या है, जो हेलोजन हम यूज करते हैं उस हेलोजन में होमोलाइटिक फिशन करके वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो वो रिएक्शन अपने आप आगे होती रहती है, पहले मोनो डेरिवेटिव मिलता है, फिर डाई डेरिवेटिव, ट्राई डेरिवेटिव और टेट्रा डेरिवेटिव। तो यहां हमको हेलो डेरिवेटिव का मिक्सचर मिलता है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन बेटा, कि यहां हमने एल्केन की रिएक्शन कराई है हेलोजन के साथ, जिसको हमको क्या मिल गया, हेलो एल्केन मिल गया। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जब हम हायर एल्केन का यूज करते हैं, हायर एल्केन से मतलब है कि ऐसा एल्केन जिसमें मोर देन वन टाइप कार्बन है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया CH3,
MCH2 MCH3 दिस इज प्रोपेन, और इस प्रोपेन की मैंने रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट सनलाइट। तो यहां जब मैं इस प्रोपेन की रिएक्शन यानी कि मैंने हायर एल्केन का यूज कर लिया है, हायर एल्केन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर अगर मैं मोनो हेलो डेरिवेटिव की बात करता हूं तो यहां पे हमको मोनो हेलो डेरिवेटिव के आइसोमर मिलते हैं। अब आइसोमर कैसे मिलेंगे, यहां पर हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH Cl एंड CH3 और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 एंड CH2 Cl और सब प्रोडक्ट में बचेगा HCl। क्लियर, यहां हमको दो प्रोडक्ट मिल गए, फर्स्ट इज 2 क्लोरोप्रोपेन, सेकेंड इज 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर, अब यहां हुआ कैसे, क्योंकि बेटा यहां पर जब हमने हायर एल्केन का यूज किया है तो उस हायर एल्केन में यहां पे हमको साफ दिख रहा है कि यहां पर 2 टाइप कार्बन एटम, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। क्लियर, हमेशा याद रखना अगर मैं हायर एल्केन यूज करते हैं तो उस हायर एल्केन में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अलग अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, और वो अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट भी हमको अलग अलग बना के देता है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर होता क्या है, मोर रिएक्टिव 3 डिग्री हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी अगर आपके पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जल्दी होता है इसलिए उसका प्रोडक्शन हमको ज्यादा मिलता है। अगर मैं यह बात करूं ये 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन में मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेन प्रोडक्ट होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। कैसे, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन में 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और 1 क्लोरोप्रोपेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यानी कि यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखना, इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां उसका मेन प्रोडक्ट यहां हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों सीधा सा है कि अगर मैं यहां पर हायर एल्केन का यूज करता हूं तो हायर एल्केन से हमको क्या होता है, हायर एल्केन से हमको मोनो डेरिवेटिव के आइसोमर मिलते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, अगर मेरे को कंपटीशन के हिसाब से बताना है तो यहां पर जो बेंजाइल या एलाइल और यहां वाइनिलिक या एल, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री हाइड्रोजन से भी ज्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन से भी कम होती है। अगर मैं यहां पर ऐसे हेलो डेरिवेटिव देता हूं, ऐसे हाइड्रोकार्बन देता हूं जिनसे मेरे को हेलो डेरिवेटिव बनाना हो, जिसमें अगर बेंजाइलिक ग्रुप भी हो, अगर वाइनिलिक ग्रुप भी है, तो वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है बेंजाइलिक का सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री से भी ज्यादा होगा, और एलाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड जो है, वाइनिलिक हाइड्रोकार्बन जो है तुम्हारे सामने, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो 1 डिग्री से भी कम होगा। तो यहां बहुत क्लियर है कि हमें अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन दिया गया है, उस हाइड्रोकार्बन में अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है तो उसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट इसी सीक्वेंस से अपन हमेशा करेंगे। अच्छा एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH and CH3 and CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर मैं बोलता हूं कि इसकी रिएक्शन कराए हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, बच्चों एक बात याद रखना, मैं यहां पर हेलोजन के साथ जब भी रिएक्शन कराऊंगा इसका यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही कराऊंगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। मैं रीजन बता चुका हूं क्योंकि ये फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है, जब तक ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे रिएक्शन नहीं होगी। हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है कि उस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट होना है। कोई रिएक्शन फ्री रेडिकल से प्रोसेस से कंप्लीट होती है, कोई रिएक्शन कार्केटाइन कार्बेनाइन प्रोसेस से कंप्लीट होती है, लेकिन दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में यूवी लाइट जो होता है वो उस यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। इसलिए यहां पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि यहां हम यूवी लाइट का प्रयोग करेंगे, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही यहां इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। अब मैंने यहां पर एक और एल्केन दे दिया,
अब उस एल्केन में मेरे को साफ दिख रहा है कि यहां पे टू टाइप्स कार्बन एटम, फर्स्ट इज 3 डिग्री एंड सेकेंड इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज 3 डिग्री एंड दिस कार्बन इज 1 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि इसमें मेन प्रोडक्ट, दो तरह के क्वेश्चन में यहां से पुटअप करता हूं। पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि आइसो ब्यूटेन रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो पहला क्वेश्चन में पूछता हूं मेन प्रोडक्ट मोनो हेलो डेरिवेटिव, दूसरा पूछता हूं टोटल प्रोडक्ट मोनो हेलो डेरिवेटिव, तो मेन प्रोडक्ट वो उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसमें जो भी हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल तुमको देखना पड़ेगा कौन कौन से हाइड्रोजन है और कितने यहां पर मोनो हेलो डेरिवेटिव हमको मिल सकते हैं। जैसे मेन प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 और ये Cl लग गया, दिस इज टी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर। और दूसरा एक और प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 and CH2 Cl, दिस इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, और प्लस रिमेनिंग क्या बचेगा HCl, क्लियर। तो टोटल प्रोडक्ट, अब Cl यहां यहां कहीं भी हटा सकते हैं लगा सकते हैं, प्रोडक्ट यही मिलेगा। तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट हमको कितने मिले, टोटल प्रोडक्ट मिले 2, और मेन प्रोडक्ट कौन सा मिला, मेन प्रोडक्ट मिला टी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है, हमको केवल ये देखना है कि उस एल्केन में कौन सा हाइड्रोजन है, किस टाइप का हाइड्रोजन है, जैसा हाइड्रोजन है इस सीक्वेंस को याद रखना, लिख लो कॉपी पर, और ये सीक्वेंस हमेशा काम में आएगा, इसी सीक्वेंस से अपन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हमको केवल क्या करना है, हेलोजन ऐड करना है, और हमको ये बताना है कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये है। ये केवल मेजर प्रोडक्ट को फाइंड करने में काम में आएगा, जैसे यहाँ 2 प्रोडक्ट मिले हैं उसमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट ये है। तो इस तरह से अपन हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन से हेलोजन से हम हेलो एल्केन जनरेट करते हैं, क्लियर। तो यहां हमने हाइड्रोकार्बन से बना लिया, हाइड्रोकार्बन में मैंने फर्स्ट प्रोसेस दिया है तुमको, कौन सा फर्स्ट प्रोसेस दिया है एल्केन से। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है जनरली बहुत कई बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन है कि C5H12 दिस इज पेंटेन एल्केन। अब इस पेंटेन के हमको वो आइसोमर बनाने हैं जिससे हम मोनो हेलो डेरिवेटिव से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस पेंटेन है ना, इसका मोनो हेलो डेरिवेटिव का यानी कि पेंटेन का वो स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हमको केवल एक मोनो हेलो डेरिवेटिव मिले। तो एक मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको ऐसा देखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन एल्केन में कि वन टाइप हाइड्रोजन एटम, और उसका जो आंसर है वो है एन पेंटेन। एन पेंटेन बेटा सीधा सा है, यहां पर एक ही टाइप का हमको कार्बन दिख रहा है और वो है 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो मिलेगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, क्लियर। तो यहां हम कोई सा भी एल्केन दे सकते हैं, उस एल्केन से हम हेलोजेनेशन जो होता है उस हेलोजेनेशन से यहां पर मोनो हेलो डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में केवल मोनो हेलो डेरिवेटिव की ही बात करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हमने बनाया कि किस तरह से हम यहां पर मोनो हेलो डेरिवेटिव बना सकते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ये पता होना चाहिए, समझिए बच्चों यूवी लाइट का क्या यूज है। यूवी लाइट का यूज है जो हेलोजनेशन हो रहा है उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए हमको यहां पर यूवी लाइट का लेना मस्ट है, ठीक है। दूसरी अब हम बात करेंगे क्या, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी हम बना सकते हैं क्या, एल्कीन से भी हम बना सकते हैं हेलो एल्कीन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। एल्कीन रिप्रेजेंट ओनली एडिशनल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड रखते हैं वो हमेशा एडिशनल रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैंने रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो यहां पे हमको मिलेगा CH3 and CH2 and Cl, यहां पर दोनों जो रिएक्टेंट थे वो दोनों जुड़कर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और वो प्रोडक्ट है हेलो एल्केन। सिंपल सा रिएक्शन है, एक कार्बन पे मैंने H जोड़ दिया और एक कार्बन पे मैंने Cl जोड़ दिया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया और दो नए सिग्मा बॉन्ड को जनरेट कर दिया, क्लियर।
तो यहाँ फ्रॉम एल्कीन से मैं बात कर रहा हूँ। एल्कीन से हमने कैसे बनाया, एल्कीन से हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया। अच्छा, ये रिएक्शन भी आपने 11 में पढ़ी होगी, और यहाँ इस रिएक्शन में आपने रूल्स पढ़ा होगा मार्कोनिक ऑफ रूल्स, है ना। मार्कोनिक ऑफ रूल्स कहाँ पर यूज होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल्स जो होता है वो हमेशा एसिमेट्रिकल एल्कीन पर यूज होता है। एसिमेट्रिकल एल्कीन, इनकी रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल्स फॉलो होता है। मार्कोनिक ऑफ रूल्स इस एल्कीन पर फॉलो होगा, दिस इज एसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है, उधर वन कार्बन इधर टू कार्बन, दिस इज एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, पहचानने का बहुत सिंपल सा मैंने तरीका बता दिया। मैंने इसकी रिएक्शन कराई है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHCl एंड CH3, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 एंड CH2 एंड CH2Cl। मतलब एक प्रोडक्ट है 2-chloropropane और एक प्रोडक्ट है 1-chloropropane, यानी कि यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन मार्कोनी कहता है कि यहाँ वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा जो मार्कोनिक ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा। मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या कहता है, मार्कोनिक ऑफ रूल्स कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, ध्यान से सुनना, 11 में पढ़ा होगा, और ये मार्कोनी आगे भी काम में आएगा, और ये हमेशा एसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है, असममित एल्कीन जो होती है, वहां पर इस रूल्स को अपन लगाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि फॉलोइंग एल्कीन फॉलो द मार्कोनिक ऑफ रूल्स, तो हमको केवल देखना होता है कि कौन सी एल्कीन जो है वो एसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब जो एसिमेट्रिकल एल्कीन होगी वहीं पर हम केवल मार्कोनिक ऑफ रूल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड, मैं बात कर रहा था मार्कोनिक ऑफ रूल्स की, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, CH, X, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, यानी कि यहां पर जुड़ेगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। बच्चों 11 में पूरा इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा, हमको यहाँ मैकेनिज्म भी नहीं बताना, हम केवल बात करेंगे कि एल्कीन कैसे एडिशन रिएक्शन देके यहाँ पर हेलो एल्केन बनाता है, ठीक है। और इसी में एक और रूल था, अगर मैं इसी रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अगर मैं यहाँ पर इसको परोक्साइड, ऑर्गेनिक परोक्साइड की प्रेजेंस में कराता हूं, तो यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स जो होता है वो हमेशा मार्कोनी के अपोजिट होता है, जिसको हम खरास इफेक्ट या जिसको हम परोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार आ चुका है खरास इफेक्ट क्या होता है, परोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, वो यही होते हैं। वो भी क्या होते हैं, वो भी हमेशा एसिमेट्रिकल एल्कीन में यूज होते हैं। बस केवल होता क्या है कि यहाँ पर हम केवल परोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। परोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड का जब हम एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं, बिल्कुल मार्कोनी का अपोजिट, ठीक है। मार्कोनी क्या बोलता था, जहां पर मिनिमम होते हैं। एंटी मार्कोनी क्या बोलता है, जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं। तो ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दोनों ही रूल्स बहुत ही सिंपल से हैं, और दोनों के दोनों रूल्स जो हैं वो हमेशा एसिमेट्रिकल एल्कीन पर यूज होते हैं, क्लियर। तो यहां हम बात कर रहे थे एल्कीन से हम हाइड्रोजन, एल्कीन की जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हेलो एल्केन हमको कैसे मिलते हैं। तो दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिक ऑफ रूल्स एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स, ठीक है। राइट डाउन कर लेना कॉपी पर जो मैंने बताया है, ये रूल्स आगे भी काम में आएंगे। मार्कोनी में कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ते हैं, क्योंकि हमको जोड़ना ही दोनों कार्बन पर है, जहां डबल बॉन्ड लगा है वहीं पे हमको एडिशन करना है, बस केवल ये देखना है कहां मेरे को एच जोड़ना है, कहां पर मेरे को एक्स जोड़ना है। अब मार्कोनी को बोलता है कि वहां पर जोड़ दो जहां पर मिनिमम है, और एंटी मार्कोनी बोलता है वहां पे जोड़ दो जहां पर मैक्सिमम है, क्लियर। तो यहां भी इस तरह से मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग यहां एल्कीन से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं,
तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन होगी तुम्हारी कौन सी, ये रिएक्शन होगी यहां पर हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपेयर कर ली। ठीक है, इसको मूवी पे राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे तुम देख सको कि किस तरह से यहां पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों की बात की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है तुम्हारा कौन सा, नंबर थर्ड है यहां हम बनाएंगे फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, यानी हैलाइड एक्सचेंज, है ना, यहां हम हैलाइड का एक्सचेंज करेंगे। तो बच्चों दो रिएक्शन में बता चुका हूं, दो रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो रिएक्शन कौन कौन सी होगी, पहली होगी फ्रॉम एल्कोहल एंड सेकंड कंप्लीट होगी तुम्हारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दोनों मेजर रिएक्शन है। अब बाकी जो दो रिएक्शन है वो छोटी छोटी रिएक्शन है, है ना। अब हम बात करेंगे यहां पर नंबर थर्ड प्रोसेस की। ठीक है, दोनों रिएक्शन है याद होनी चाहिए, दोनों रिएक्शन है आगे भी काम में आएंगी, और ये दोनों रिएक्शन है वो थी जो शायद आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी होगी, है ना, उसी से रिलेटेड थी। अब तीसरी है फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, इसमें होना क्या है, हैलाइड एक्सचेंज होगा, यानी एक हैलोजन दूसरे हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जनरली हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं किसमें, जनरली हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने में। दो रिएक्शन है यहां पर हेलो एल्केन, यहां पर हमने एक हेलो एल्केन ही लिया है, दूसरा हम हेलो एल्केन ही बना रहे हैं। बस हुआ क्या है कि एक हैलाइड जो है वो दूसरे हैलाइड में एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गई। ठीक है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज ए सॉल्वेंट, यहां हमको मिल गया एल्किल आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज फिंकल स्टीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट डाउन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमको एल्किल आयोडाइड मिला। दूसरी रिएक्शन है इसमें यहां पर एल्किल हैलाइड की ही मैंने कराई है, जिसमें मैंने सिल्वर फ्लोराइड का यूज किया है, इसमें भी क्या काम हुआ है, एक्स रिप्लेस हो गया, जिसमें एक्स रिप्लेस हो गया फ्लोरीन में, यानी कि यहां हमको मिल गया एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, दिस रिएक्शन इज स्वार्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन है। एक क्वेश्चन बोर्ड में कंपल्सरी आता है नेमिंग रिएक्शन का, नेम लिखे मिलते हैं और उसमें उनको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, तो वो हमको बस केवल करना क्या है, मैंने बोला राइट द रिएक्शन ऑफ स्वार्ट रिएक्शन, हमको केवल इस रिएक्शन को लिखना है बस, ज्यादा थोड़ा सा अगर करना है तो आप भी अगर कोई सा भी एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा दो तो वो आप भी अगर यहां हम एल्काइल ग्रुप को यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां हमने बना ली क्या, फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर फोर्थ है, नंबर लास्ट रिएक्शन है तुम्हारी, नंबर फोर्थ रिएक्शन है वो है फ्रॉम सिल्वर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहां हम बनाएंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एजी, यानी हम यहां सिल्वर साल्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है जिसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। अगर हम यहां इस सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, यहां हमने अगर इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ, तो मैंने यहां पर ब्रोमीन या क्लोरीन ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट के रूप में, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये अलग हो गए यहां पर AgBr, ये यहां पर अलग हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमेनिंग प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट मिलेगा RBr प्लस CO2 और प्लस बचेगा AgBr, बन गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, मैंने बोला CH3COOAg, दिस इज सिल्वर एसीटेट, मैंने ले लिया सिल्वर एसीटेट, और इस सिल्वर एसीटेट की मैंने रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, और ये मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो मेरे को मिला CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, मतलब यहां पे हमको एल्किल हैलाइड मिला। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज ये है, कन्वर्जन में बहुत काम में आती है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रिएक्शन को हम कार्बन चेन जो है, अगर हमको किसी भी कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, यह हमको दिखाई दे रहा है टू कार्बन की चेन है, और जब हमको प्रोडक्ट मिला तो वो वन कार्बन की चेन हो गई।
कई बार कन्वर्जन आते हैं, मैंने बोला इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल, एथेनोइक एसिड टू फार्मिक एसिड, एथिलेमिन टू मेथिलेमिन, इस तरह के कन्वर्जन आते हैं जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कार्बन चेन को छोटी कर रहा है। कार्बन चेन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, अगर कभी भी कार्बन चेन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। नाम राइट डाउन कर लेना, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहा जाता है। इस रिएक्शन का काम यह है कि यहां हम कार्बोक्जिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट का यूज करते हैं, जिसकी मैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोन क्लोराइड मिलते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहां अगर हम यहां पर आयोडाइड बनाएंगे, आयोडाइड बनाने के लिए हम यहाँ आयोडीन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आयोडीन का यूज करते हैं तो उस आयोडीन के यूज से हमको यहाँ पर एल्किल आयोडाइड नहीं मिलता, हमको वहां पर एस्टर मिलता है। ये इस रिएक्शन का एक्सेप्शन मान लो। तो याद रखना इस बात को, नोट कर लेना, अगर इस बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन में मैं केवल क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज कर सकता हूं, अगर मैं आयोडीन को यूज करता हूं तो उस आयोडीन वाली रिएक्शन में मेरे को यहाँ एस्टर जनरेट होगा, इसलिए हम इससे आयोडाइड नहीं बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन का मैंने नाम दिया, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन आर यूज्ड एज डिसेंडिंग कार्बन चेन। हम इसको कार्बन चेन की लंबाई को कम करने में यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ेंगे उस कार्बोक्जिलिक एसिड में भी हमको ये रिएक्शन मिलेगी। तो बहुत सिंपल सा है, यहां हमने चार मेथड पढ़ लिए और चार मेथड से हमने हेलो एल्केन बना लिया। तो हेलो एल्केन बनाने के चार मेथड है, फर्स्ट मेथड इज एल्कोहल, सेकेंड मेथड इज हाइड्रोकार्बन, थर्ड मेथड इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। इन चारों से हमने हेलो एल्केन बनाए, चारों सिंपल है। एक बात और मैं बता दूं, हम केवल उन्हीं स्टेप की बात कर रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है, इसलिए क्योंकि मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमारे एनसीईआरटी ने कौन कौन से मेथड को यहाँ पे दिया है हम उन्हीं मेथड को समझ रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको हमको याद रखना पड़ता है, हालांकि उनके रीजन भी होते हैं, लॉजिक भी होते हैं, लेकिन हमको लॉजिक में न फंस के हमको केवल उनको इस तरह से याद रखना है कि हाँ ये एक्सेप्शन है, नोट डाल के लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि यहाँ हम केवल आयोडाइड का प्रयोग नहीं कर सकते, आयोडीन का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ हम आयोडाइड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन हो गई, चार रिएक्शन से हमने हेलो एल्केन जनरेट कर लिए। अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेकेंड बुक का, और इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक हमेशा रिवीजन को मांगती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये मेरी आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है, ये मैं प्रिपरेशन मैंने बता दी है। दूसरा, मेरे नोट्स के लिए नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डले हैं, वेबसाइट डले हैं, आप उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ऑर्गेनिक की टेंशन बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बोर्ड में भी मार्क्स अच्छे लाओगे, और बोर्ड के साथ साथ कोई सा भी कंपटीशन अगर आप देते हो उसमें केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, ठीक है। बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखना और बहुत सारी पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई एक आपका जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पढ़ें, रिवीजन करें, अपने जो अन्य साथी हैं उनको भी बताएं और उनको भी मोटिवेट करें, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।